जय भोलेनाथ। सबसे प्रथम तो है कि आसान चीज है कि भोलेनाथ को जल चढ़ा जा सकता है। जल चढ़ाने से वो अति प्रसन्न होते हैं, चित्त भी शांत होता है। इसके अलावा दूध चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ाने से लोग स्वस्थ होते हैं। इसके बाद इत्र भी चढ़ा सकते हैं मन की शांति के लिए, मन की शुद्धि के लिए। दही अगर चढ़ाएंगे तो जीवन में स्थिरता होगा। घी चढ़ाने से बलवान लोग होता है। और शक्कर जिसको चीनी बोलते हैं, जस वैभव की फल की प्राप्ति होगी। और केसर चढ़ाएंगे तो इस प्रकार मन की अभिलाषा पूरी होती है। चंदन अगर चढ़ाएं तो मान सम्मान प्राप्त होगा, मिलेगा। शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है, मीठापन आवेगा। और सबसे उत्तम है भांग चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भांग चढ़ा दें तो उनकी सब प्रसन्नता हो गई, तो आपको सारे फल मिल जाएंगे। कैसे इन सब चीजों से कैसे अभिषेक करेंगे लोग भोलेनाथ का? अगर अभिषेक करना है जल से, दूध से, घी से, तो क्या प्रक्रिया होगी, कैसे करना इस चाहिए? प्रकार अगर हो पंचामृत से सबसे पहले उनके जल से स्नान करावें, पंचामृत से स्नान करावें, फिर गंगा जल से भी अभिषेक करा सकते हैं। दूध से अभिषेक कराने के बाद सबकी फल की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसके बाद एक गन्ना का रस भी होता है, फल का रस भी होता है। ये सभी सारी समृद्धियां फल की प्राप्ति होती है करने से। अच्छा, और भगवान भोलेनाथ की पूजा में और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं? जैसे सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को? भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, चंदन चढ़ाया जा सकता है, पीला चंदन चढ़ाया जा सकता है, चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आँख है, धतूरा है, कनेली है, इस प्रकार जो धतूरे का फल भी है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, विवाह रुका हुआ है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन मोर मुकुट चढ़ाने के बाद उनका अवश्य विवाह संपन्न हो जाएगा, इस प्रकार कहा जाता है। मांगलिक दोष भी संपन्न होता है, केसर चढ़ा दें तो अगर मांगलिक दोष है जिनके पर, वह मांगलिक दोष भी मिट जाता है केसर चढ़ाने के बाद। मांगलिक दोष और विवाह से याद आया कि अगर हमारे यहाँ परिपाटी है हिंदू धर्म में, अपने खास करके इस इलाके में, कि महाशिवरात्रि के पहले विवाह कार्यक्रम नहीं होते, लोग इंतजार करते हैं महाशिवरात्रि समाप्त होने तक, उसके बाद ही हमारे यहाँ पे वैवाहिक कार्यक्रम, क्या जी हो, कारण है इसका, इसके पीछे का कुछ कारण है? इसका कारण है कि जो भी विवाह कार्य का समय मुहूर्त होता है, पहले भोलेनाथ का विवाह उत्सव मना दिया जाता है। मनाने के बाद फिर जो भी दोष पाप जो भी रहते हैं सब मिट जाते हैं, फिर लोग आम हम लोग अपना विवाह कार्य संपन्न कराते हैं, खास कर यही बात है। अच्छा, एक और सवाल इससे निकल के आता है,